पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। तू अपने पापा की वजह से नहीं, लेकिन कोई और रीजन से विवान के घर आना टाल रही है ना? सखी, सखी बात क्या है? तुझे मेरी कसम, बता क्या हुआ? तुझे अगर मेरी कसम से फर्क नहीं पड़ता ना, तो तुझे विवान की कसम। पर बता बात क्या है? ओके, बट प्रॉमिस कर कि तू ये बात किसी को नहीं बताएगी। हाँ बाबा, लेकिन हुआ क्या है? वो कैफे में ग्रुप स्टडी के लिए विवान के घर मिलने की बात हुई, उसके कुछ देर बाद मुझे अनविता का कॉल आया। सखी, जब भी तू विवान के साथ होती है ना, तो आई डोंट नो क्यों मुझे इनसिक्योरिटी फील होती है। देख, अब गुनगुन के पास उसका बॉयफ्रेंड अशेखर, तो वो उसमें बिजी रहती है, और जब सौमिल था तब तुझे कंपनी मिल जाती थी, तब मुझे और विवान को क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता था। लेकिन अब तो सौमिल भी नहीं है, तो फिर अकेली हो जाएगी और विवान का सारा अटेंशन तेरी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। आई सो विश कि तू बॉयफ्रेंड बना ले। आई मीन, तू भी अकेली नहीं रहेगी ना, और विवान तेरी चिंता छोड़कर मुझे वक्त देगा। देख, डोंट फील बैड, ओके? आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ अनविता, बट यू डोंट वरी, मैं कोई ना कोई बहाना निकाल के वहां नहीं आऊंगी। सखी देख, तू मुझे गलत समझ रही है, मैं तुझे आने से मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर तू भी अपने बॉयफ्रेंड को साथ ले, फॉर दैट मैटर अपने किसी फ्रेंड को साथ ले आए, आई मीन वी ऑल नीड अ फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, यू नो व्हाट आई मीन। और ये सब तो ठीक है, लेकिन गुस्सा निकालने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। नो अनविता, मेरे हिसाब से कोई भी रिलेशन हम इसलिए नहीं बनाते क्योंकि हमारे पास कोई बात करने वाला नहीं है। इनफैक्ट मेरे पास तो मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है, मेरी मम्मा, और गाइड करने के लिए मेरे डैडी है, फिलोसोफर जैसे दादा दादी है, जिनके साथ मैं अपने दिल की हर बात शेयर कर सकती हूँ। और हाँ, गुस्सा निकालने के लिए मेरा छोटा भाई भी तो है, अथर्व। और क्या चाहिए लाइफ में? यू आर वेरी लकी सखी, एज यू विश। तो तू नहीं आ रही है ना? नहीं, मैं नहीं आऊंगी, यू गाइज एंजॉय। दिस अनविता ना, तूने कितनी बार क्लियर करा है कि तुम उन दोनों के बीच में तेरा आने का कोई इंटेंशन नहीं है, फिर भी अनविता। नहीं गुनगुन, आई रिस्पेक्ट हर क्लैरिटी एंड द वे शी एक्सप्रेसेस हरसेल्फ। मैंने उसे ऐसे ही झूठ मूठ नहीं कह दिया है, मुझे सच में किसी बॉयफ्रेंड की। देख, मेरे और अनविता के बीच जो भी बातें हुई है वो विवान को पता नहीं चलनी चाहिए, तुझे मेरी कसम है। हाँ, बट आई विल मिस यू, और विवान भी तुझे मिस करेगा। मैंने और कियारा ने नोटिस किया है कि हमारे वर्किंग कैपिटल का एक बहुत बड़ा अमाउंट ऐसे ही पड़ा रहता है, तो हम ये सोच रहे थे कि उस अमाउंट को बैंक में रखने से अच्छा है उसे कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में डाल दें। मैम, मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है, आप है ना हम सबको बोनस दे दीजिए, उसकी वजह से हम सब डबल एनर्जी के साथ काम करेंगे और हमारी कंपनी का फायदा ही फायदा। वैसे दासनी, तेरी बात तो सही है, हाँ ना मार्फत दीजिए। आई नो मतलब मैडम, अगर बोनस मिलता है तो कौन मना कर सकता है ना सर? ओके, डन। अरे वाह वाह, थैंक यू मैम। आप सबको बोनस मिलेगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? अगर कंपनी को कोई लॉस होता है या फिर परफॉर्मेंस में कुछ भी गड़बड़ी होती है, तो आप सबको बोनस विद 15% इंटरेस्ट के साथ रीपे करना होगा, चलेगा? सर, सॉरी, ये प्लान मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए आई एम आउट ऑफ दिस। तो इनको आप देख लीजिए। मैं भी तो मजाक कर रहा था, आप बोनस दासानी को दीजिए, आई एम ऑल्सो आउट। मैम, मैं भी मजाक ही कर रहा था, आई एम तो ऑलरेडी आउट। यस, आई एम ऑल्सो आउट, बिकॉज मैं भी तो मजाक ही कर रहा था। बट आई एम सीरियस, यू ऑल हैव टू थिंक समथिंग, राइट? एक आइडिया आ रहा है दिमाग में, देखिए कैसा लगता है आपको। हम हमारे सेविंग अकाउंट्स में जो पैसा होता है उसका कुछ हिस्सा नॉर्मली स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं,
तो उसी तरह हमारे वर्किंग कैपिटल का कुछ हिस्सा अगर हम किसी अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी में इन्वेस्ट करें तो। और राजेश सर, मतलब आपका कहना ये है कि हम हमारी कंपनी के पैसों से शेयर मार्केट में सट्टा खेलें? ये गलतफहमी है। किस तरह इन्वेस्ट करते हो उसके ऊपर निर्भर करता है, वो सट्टा है या अच्छी इन्वेस्टमेंट है। यस, आई नो। दासानी, मिस्टर वागले डिविडेंड पेइंग कंपनी में इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, सुना नहीं आपने? आइडिया तो अच्छा है राजेश भाई। हाँ, मुझे भी पसंद आया है ना? लेकिन इसके लिए हमें किसी एक्सपर्ट को हायर करना होगा, है ना? हर्षद भाई, कजिन भी है तुम्हारा और एक्सपर्ट भी है। यस, निक, हम हर्षद भाई से सलाह ले सकते हैं ना? क्या यार, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। वैसे तो हर्षद भाई मेरे कजिन हैं, लेकिन मैं बिजनेस और रिलेशंस को मिक्सअप नहीं करना चाहता। तो राजेश भाई, आप उनसे बात कर लीजिए, उसके बाद मीटिंग करते हैं। मैं बात करता हूँ हर्षद भाई से। ओके। हर्षद भाई, नहीं, ज्योति भाभी ने बताया कि आप देर से आने वाले हैं, जरा बात करनी थी आपसे। जी जी जी, स्टॉक मार्केट रिलेटेड ही है। नहीं नहीं, मेरे पास कहाँ से आए इतने पैसे, मुझे नहीं इन्वेस्ट करना है। नहीं, वो हमारी कंपनी का वर्किंग कैपिटल है ना, वो इन्वेस्ट करना था जी। तो ठीक है, जब फ्री होंगे तब बात करेंगे। ओके ओके। क्या सारे भक्तगण ऐसे प्रवचन के लिए आकर बैठे हो, ऐसे क्या बैठ गए तुम लोग? क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? भूल गए क्या? अरे आज हमारा स्टोरी टेलिंग डे है ना। हाँ। ऐसे थोड़ी है कि मैं ही सुनाऊंगा, तुम लोग भी तो बता सकते हो। चलो बंधु, तुम्हारी बारी है, तुम सुनाओ। नहीं डैडी। क्या? सी, इस बार हमें फिक्शन नहीं, फैक्ट फाइल्स, मनोज काका की फैक्ट फाइल सुननी है। ओके? हाँ डैडी, उस दिन आपने वो मनोज काका और विद्या आंटी की लव स्टोरी अधूरी छोड़ी थी ना, वो आज बताइए ना। हाँ, उस दिन तुमने विद्या और मनोज भैया की पहली मुलाकात के बारे में बताया था। तुम लोग क्रिकेट मैच खेल रहे थे, है ना, और विद्या के फादर ने गुस्से में आके तुम्हारी वो क्रिकेट बॉल काट कर फेंक दी थी। तब मनोज भैया ने विद्या से कहा था कि तू मुझे अच्छी लगी, तू अच्छी लगी। हाँ, फिर उनकी दोस्ती आगे कैसे बढ़ी? दोस्ती नहीं मम्मी, फर्स्ट लव की लव स्टोरी। वाह वाह जूनियर वाले, फर्स्ट लव की लव स्टोरी में बड़ा इंटरेस्ट है आपको। दादा का ना पहले से मानना था कि आप जिससे प्यार करते हो उसे दुख पहुंचाना गलत नहीं है। पर ये तो सही नहीं है ना। लुक हू टॉकिंग, आप कुछ मत बोलो। कल सखी दीदी मुझे बिना रीजन के डांट रही थी, तो फिर मैंने पूछा कि क्यों डांट रही हो, तो वो कहती है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए मैं तुम्हें डांट रही हूँ। आप तो बात ये है कि जब हमारे अपने मतलब जो हमसे बड़े हैं अगर हमें डांटते हैं हमारी गलती सुधारने के लिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। या अथर्वा, सखी क्वाइट, मैं ये कह रहा था कि मनोज दादा का ना तरीका ही कुछ वियर्ड था, यू नो, वो अति कर देता था, मतलब इतना अति हो जाता था कि विद्या को उस बात का दर्द होता था और फिर वो रोने लगती थी। अब रो रो के समंदर बना देंगे क्या? चौप बोला ना तो चौप। तो तुम मुझे ऐसे क्यों डांट रहा था? तो क्या करूं, तेरे को कितनी बार बोला हो गन्या और उसके दोस्तों के साथ बात नहीं करने का, उनकी लाइक है मेरे सामने खड़े रहने की। कहीं को बात की तूने? गणेश की बहन मेरी क्लास में है, मेरी दोस्त है वो, और अगर दोस्त के भाई से बात कर ले तो क्या हो जाएगा? तो उसका भाई है वो, तेरा नहीं। मेरा दिमाग मत खराब करा, देखो समझा दे रहा हूँ मैं। एक चीज तेरे दिमाग में फिट कर दे, तेरा सिर्फ एक ही दोस्त है, मनोज वागले, समझी क्या? बोल, करेगी बात उससे? बोल, करेगी? क्या बोल? मनोज जो ना दुख रहा है रे। मेरा जो दिल दुखता वो नहीं दिखता तेरे को? पहले बोल, किसी और लड़के से बात करेगी क्या? बोल ये? बोल, तोड़ मेरी बेटी को, मेरी बेटी के बाल खींचता है तू? हिम्मत कैसे हुई तेरी? अरे जोशी, अरे पटेल, अरे चाल वालो, सब लोग बाहर आओ, देखो देखो ये गुंडा क्या कर रहा है, अरे मेरी बेटी को मार रहा है ये। श्रीनिवास, ए श्रीनिवास बाहर आ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा।
पहली बार किसी ने दादा को गुंडा कहा था। मतलब तब तक दादा को शैतान, बदतमीज, झगड़ालू, मवाली ऐसा कहते थे। मम्मी पापा को आदत हो गई थी। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।